अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि व्हाट्सएप के जो वॉइस मैसेजेस होते हैं, वॉइस नोट्स होते हैं, उसे हम अपनी मेमोरी में कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपको कोई ज़रूरी किसी ने वॉइस मैसेज भेजा है और वो व्हाट्सएप में पढ़ा जाता है, व्हाट्सएप में आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं आप किसी और डिवाइस में यूज़ करना चाह रहे हैं, मतलब यूएसबी में करके कहीं उसे रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, या कोई अपने किसी भी मकसद के लिए आपको वो ज़रूरी चाहिए वो वॉइस मैसेज, तो MP3 फॉर्मेट हम यूज़ करते हैं ना ऑडियो फाइल के लिए, तो वो MP3 फॉर्मेट में कैसे हासिल किया जाए। ठीक है, देखिए व्हाट्सएप का जो मैसेजेस होते हैं वो उसकी डेटाबेस में चले जाते हैं, वो हमारी मेमोरी में ही होते हैं, तो आज वो जानते हैं हम उसे कैसे एक्सेस करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर बहुत सारे आपके किसी भी दोस्त का वॉइस मैसेज आया और आप उसे MP3 फॉर्मेट में हासिल करना चाह रहे हैं, तो उसे कैसे हासिल करना है। ठीक है, उसके लिए आप अपने मोबाइल के फाइल मैनेजर में जाइए, तो मेरा फाइल मैनेजर ये है, तो हर मोबाइल में ये होता है, अपने किसी भी अपने मोबाइल के हिसाब से जो भी आपका फाइल मैनेजर है आपने उसमें चले जाना है। ठीक है, उसको ओपन करना है, इसके बाद आपने स्क्रॉल करना है, इस फोल्डर्स में से आपने व्हाट्सएप का फोल्डर ढूंढना है, ऑफिशियल फोल्डर, मेरे स्क्रीन के लास्ट में नज़र आ रहा है ये फोल्डर, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद क्लिक करना है मीडिया वाले फोल्डर पर, ये मीडिया वाले फोल्डर पर क्लिक करते ही काफ़ी फोल्डर सामने आते हैं, तो लास्ट पर देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट्सएप वॉइस नोट्स, तो इसी फोल्डर के अंदर व्हाट्सएप के वॉइस मैसेजेस शो होते हैं, लेकिन यहाँ जो प्रॉब्लम आती है मैं अब आपको वो बताता हूँ। ठीक है, इसको ओपन किया, ये देखें यहाँ पर काफ़ी फोल्डर्स होंगे आपके, जितने भी वॉइस नोट्स पड़े होंगे उसके हिसाब से, तो ये 40 वाला फोल्डर खाली है, ये देखें 41, इसके अंदर ये वॉइस नोट्स ही पड़े हुए हैं, तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, इसकी आप एक्सटेंशन देख सकते हैं .opus है, तो ये MP3 फॉर्मेट में नहीं है। जैसे इसे मैं एक्सेस करने की कोशिश करूँगा, क्लिक करता हूँ इस पर, तो ये देख देते हैं नो एप्लीकेशन इज़ अवेलेबल टू ओपन दिस फाइल, तो अब आप इसे MP3 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत सिंपल है, आपने इसको रीनेम करना है। ठीक है, अपने मोबाइल से जो वॉइस चाहिए आपको उसे रीनेम करना है, इसके नेम को आपने बिल्कुल चेंज नहीं करना, इसके जो लास्ट पैन है ना डॉट के आगे OPUS, इसे आपने डिलीट कर देना है, यहाँ से कट कर दिया। ठीक है, ये डॉट नहीं ख़त्म करना, डॉट रहने देना है, और यहाँ पर लिख देना है MP और इसके बाद लिखना है 3। ठीक है, .mp3 लिख दिया, इसके बाद कर देना है इसे ओके, वो कहेगा इनवैलिड, तो आपने फिर से ओके पर क्लिक करना है। देखा, जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे ये फाइल MP3 फॉर्मेट में चेंज हो जाएगी और अब आप इसे इजिली यूज़ कर सकते हैं, अपने किसी मोबाइल की मेमोरी में किसी और फोल्डर में रख सकते हैं और कहीं पर भी इसे इस वॉइस मैसेज को प्ले कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने इसे प्ले, ठीक है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये VLC में मेरे ओपन हो चुका है, तो मैं VLC सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ मोबाइल में, तो ये उसमें ओपन हो चुका है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, तो इसे मैं इजिली यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह आप किसी भी वॉइस नोट जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप उस पर उसको करना है रीनेम सिंपल। ठीक है, रीनेम पे क्लिक करना है, ये आपको ख़त्म करना है, डॉट रहने देना है, MP और 3 लिख कर ओके कर देना है, इनवैलिड आएगा, फिर आपने ओके करना है, तो ये देखें सेकंड फाइल भी MP3 फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुकी है। तो आपके जितने भी वॉइस नोट्स हैं ये इस फोल्डर में होते हैं, आपने आकर इसकी एक्सटेंशन को .mp3 कर देना है, नेम को चेंज नहीं करना, तो आपकी फाइल आपके पास मिल जाएगी। ये काफ़ी यूज़ होता है, मिसाल के तौर पर आपको आपका फ्रेंड कोई सॉन्ग भेजता है लेकिन आप उसे इस्तेमाल कर पा रहे, तो उसके लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो इस तरह आपने वॉइस नोट्स को आप एक्सेस कर सकते हैं, अपने फ़ायदे के मुताबिक इसे यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये मेथड पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह के अमेजिंग ट्रिक्स एंड वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में, इकबाल के शहीनों, अल्लाह हाफिज़।